सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमन चंदल। तो आज मैं अपना होम व्लॉग करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वर्कआउट के लिए जा रही हूँ। गाइस, आप लोग देख सकते हो, एक्सरसाइज करने के बाद इतनी स्वेटिंग हो रही है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी कि कौन सा मैंने ज़ुम्बा किया था। और अब थोड़े 10-20 पुशअप्स मारूंगी। पहले दिन में ज़्यादा बर्डन नहीं लेना मेरे को, और मैं वैसे भी पुशअप्स करने मेरे को आती नहीं है, बट एटलीस्ट मैं 10 ट्राई करूँगी। ओके, तो मेरा सारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और मैंने नहा भी लिया है। नहीं मतलब बाल नहीं नहाया, सिर्फ बॉडी नहाया, क्योंकि मैं कल नहा चुका हूँ ऑलरेडी। और वैसे मुझे जुकाम और थोड़ा सा गले में दर्द है, तो बस रेडी हो गई हूँ। मैं बाहर जाऊँगी जूस पीने। कौन सा जूस? बादाम का जूस। देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। आज मैं पूरी बच्ची लग रही हूँ ऐसे बाल करने के बाद। तो मैं अभी दुकान आ गई हूँ, यहाँ से शायद ब्रेड अंडा लेके जाऊँ घर पर। मेरे साथ इतना गंदा स्कैम हो गया ना गाइस, कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो अनार का जूस मैंने पिया ना, वो सबका सब निकल गया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी पागल हूँ। मैंने खाली पेट में पी लिया और मेरे को पता भी नहीं था। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, कुछ खा लेना उसके बाद ही जूस पीना। खैर आज पहला दिन है तो होता है, ये सब इंसान गलती करके सीखता है ना। तो ठीक है, कोई नहीं। तो अभी मैं ब्रेड बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। और पानी पीते रहना है, हाइड्रेट भी अपने बॉडी को करते रहना है। मक्खन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इतना सही है, थोड़ा इससे भी कम यूज़ करेंगे, क्योंकि एकदम से सब चीज़ें नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने 10 किलो पहले कम कर रखा है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, अंदर बिल्कुल भी एनर्जी कहते ना इसे। कोई अगर मुझे ऐसे मारेगा तो मैं ऐसे जाती थी, तो वैसे नहीं करना। अब अच्छा वाला, हेल्दी वाला मुझे थोड़ा सा पतला होना है हल्का। बनाएंगे दो फोड़ो। अब इसके ऊपर हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसे ऐसे करके। ऐसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तू सब ये देखो। वाओ, इसको अच्छे से पका दे। वो कर दो, समा दो बस। बस इसको हम गीला कर लेंगे। कल हमने शाम को ही सांभर मंगाया था, अब इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते यार, तो इसे खाएंगे। फ्रिज में रखेंगे। रानी यार, बहुत भूख लग रही है। वैसे मेरे को बहुत लाइक, मेरे को आदत है सुबह उठ के कुछ हेवी खाने का, और सुबह उठ के चाय पीने का सबसे ज़्यादा बड़ा शौक है मेरे को। वो नहीं मिलता तो मेरे को ठीक नहीं लगता, और आज मैंने चाय नहीं पी है। पता नहीं कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा। लेट्स गो। सो मेरी थाली रेडी हो गई है। हाँ,
बर्तन। अब मुझे करना है काम, बर्तन धोना। अब बर्तन देख के डर मत जाना गाइस। देखिए हालत, देखिए इतने सारे बर्तन मैं धोने जा रही हूँ अभी के अभी। तो मैंने बर्तन धो दिया है सबका सब। देखिए कितना साफ लग रहा है। वैसे मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, बहुत ज्यादा कम। खीरा छील लेंगे इसे, इसके कोने कोने में ऐसे रख के इसको हटा देंगे। तो मैंने खीरा खा लिया है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं कपड़े चेंज करके सोऊंगी थोड़ी देर, बहुत नींद आ रही है। सबको गुड नाइट, बाय बाय। तो खाना वगैरह सब रेडी हो चुका है, चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, मम्मी पापा जैसे ही आएंगे चढ़ा दूँगी या फिर 10 मिनट पहले चढ़ा दूँगी। बहुत भूख लग रही है, दांतों में भी दर्द हो रहा है क्योंकि वो पीछे जो दांत होती है ना वो वापस, मतलब नया जो आता है वो हो रहा है, तो बहुत पेन हो रहा है। कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? फूला फूला सा लग रहा है क्या? देखते हैं क्या होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, मतलब ऐसा बोलते तो है नेक्स्ट जन्म होता है, मैं बिलीव नहीं करती बट हाँ हो सकता है मे बी, अगर हो ऐसा लगता है कि यार काश ऐसी ज़िंदगी में, तो फिर कभी कभी ऐसा ज़िंदगी जाता है, कभी कभी ऐसा ज़िंदगी जाता है कि मतलब मत ही पूछो। ऐसा लगता है कि दुनिया भर का स्ट्रगल सिर्फ हम लोग ही झेल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग को सिचुएशन में ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, बट हमारे जैसे और लोगों की भी जारी होती है स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, और हमसे भी बुरी वाली, बदतर वाली। यही सोचा है कि लोग अगर ज़िंदगी में आगे और भी यू नो ऐसे परेशानी ऐसे स्ट्रगल करना पड़ जाए, तो बस ये सोच के चलना कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, होगा होगा होगा, क्योंकि मैंने चीज़ देख ली है, मैंने मान ली, मैंने समझ ली। तो आप लोग भी समझ लो, मैं ये ज्ञान नहीं ले रही हूँ आप लोग, मैं बता रही हूँ कि मकसद हुआ है, एक बार ही नहीं हुआ है, दो तीन बार ही हुआ है, तो समझ जाओ यार, ट्रस्ट मी। तो अभी खाना वाना खाने के बाद मैं सो जाऊँगी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मुझे हैंग पैंड करना चाहिए क्योंकि मेरा स्पेस फुल हो चुका है मेरे लिए। अब जब ये वीडियो आ जाएगी तो फिर मैं ये वीडियो अपने गैलरी से डिलीट करके दूसरी वाली वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और लव यू ऑल।